पिछले वीडियो में हमने मनसाबदारी की बारीकियों को समझा था। इस वीडियो में हम जागीरदारी के विषय में जान सकते हैं। जागीरदारी और मनसाबदारी के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। सामान्य तौर पर मनसाबदारों को वेतन या दूसरे खर्चों के लिए जागीरदारी के रूप में भूमि आवंटित किया जाता था और उससे प्राप्त आमदनी को जो है सो वो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते थे। जागीर मुख्य रूप से एक जमीन का टुकड़ा था जिससे लगान और दूसरे करों की वसूली का अधिकार जागीरदार को प्राप्त होता था। एक बात ध्यान देने की बात है कि जागीरदार को जागीर पर कभी भी निजी स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। यह व्यवस्था अकबर द्वारा की गई थी कि जो है सो एक जागीरदार के मृत्यु उपरांत इसको हम लोग जो है सो दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इस क्रम में हम लोग जो है सो दो तीन तरह के जागीर को अलग अलग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर में जागीर जो भूखंड होता था वह वस्तुतः वेतन के भुगतान के लिए दिया जाता था। दूसरा किस्म का जागीर था उसको हम लोग कहते हैं वतन जागीर। सामान्य तौर पर अधीनस्थ शासकों के राज्य पर यह आधारित होता था, यह वंशानुगत था और एकमात्र यही जागीर था जो वंशानुगत होता था। इसमें होता यह था कि शुरुआत के समय में अकबर ने राजपूत शासकों को जो जीता तो राजपूत शासकों के राज्यों को अपने अधीन करते हुए उसकी जागीरदारी उन्हीं शासकों को दे दी, तो ये वंशानुगत परंपरा जो है सो बनी रही। ये अलग बात है कि अकबर के ने अपने शासन के अंतिम काल में या फिर बाद के शासकों ने भी ऐसी व्यवस्थाएं की तो ये जागीरदारी जो वतन जागीर का कॉन्सेप्ट था वो दूसरे शासकों उन्हें राजपूत शासकों को छोड़कर अन्य शासकों पर भी लागू हुआ। एक और तरह का जागीर है उसको हम लोग कहते हैं अलतमगा जागीर। ये अलतमगा जागीर इनाम के तौर पर दिया जाता था, पुरस्कार के तौर पर दिया जाता था। सामान्य तौर पर बुद्धिजीवियों को, कवियों को या किसी विशिष्ट क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को ये प्रदान किया जाता था। अब है जागीर का निष्पादन कैसे करेंगे। क्या होता था कि एक जागीर की भूमि को जरूरत पड़ने पर खालसा भूमि में परिवर्तित किया जा सकता। खालसा भूमि का अर्थ होता है कि केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। जरूरत पड़ने पर शासक किसी जागीर को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। ये जो नियंत्रण में लेने की प्रवृत्ति थी वो दो तरह की हो सकती थी। एक तो अस्थाई रूप से केंद्र के नियंत्रण में लेना, मतलब इसको पूर्णतः खालसा भूमि में परिणत कर देना। दूसरा ये था कि कुछ समय के लिए अस्थाई तौर पर इसको केंद्रीय प्रशासन के अंदर ले लिया जाता था। ये अस्थाई जो भूमि थी जागीरों की जो केंद्र के शासन में ली गई उसको हम लोग कहते हैं पैबाकी भूमि। तो पैबाकी भूमि एक विशिष्ट तरह की भूमि हो गई जो कि अस्थाई, ये बाद में जागीरों में पुनः परिवर्तित कर दिए जा सकते थे। जागीर जिन जागीरदारों को दिए जाते थे उनसे वे जो है सो कई तरह से राजस्व हासिल करते थे, जैसे लगान इसमें से सबसे प्रमुख था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक चुंगी, घाट पत्तनों पर लगने वाले चुंगी वगैरह जैसे उपकर इसमें शामिल थे। इस आमदनी को सैर जिहाद कहा जाता था। फिर हम लोग देखें किसी भी जागीर को देने के वक्त में राजा एक अनुमान लगाता था, मतलब बादशाह, कि
उससे कितनी आमदनी हो सकती है और इस आमदनी को, ये अनुमानित जो आमदनी है इसको हम लोग कहते हैं जमा दामी। लेकिन अनुमान लगाना और वास्तविक आमदनी प्राप्त होना ये दूसरा बात है। तो जागीरों से जो वास्तविक आमदनी होती थी उसको हम लोग कहते हैं हासिल दामी। अब देखिए, तो नेचुरल सा बात है कि जमा दामी और हासिल दामी, मतलब अनुमानित आमदनी और वास्तविक आमदनी में अंतर हो जाएगा। अकबर के समय में भी यह अंतर था और बाद के कालों में तो यह अंतर काफी बढ़ता गया। अनुमान कुछ लगाए जाते रहे और जो है सो आमदनी का स्वरूप कुछ और होता रहा। और ये जो कमी आई आमदनी में, इसको जो है सो हम लोग मूलतः आर्थिक संकट का कारण मानते हैं। अब जागीरदारी संकट के बारे में हम लोग जरा सा समझ लें कि अगर ग्रेटर मुगल्स के बाद के मतलब काल में हम लोग देखें तो जागीरदारी के इसी संकट को मुगल के पतन का कारण भी माना जाता है। औरंगजेब के काल में देखें, कह सकते हैं कि औरंगजेब, वो एक कहावत है ना कि स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को और जो है सो दक्षिण के फोड़े ने अंग्रेजों को, औरंगजेब को जो है सो पतन के कगार पर पहुंचा दिया। तो वही स्थिति यहाँ है कि औरंगजेब का कंसंट्रेशन दक्षिण के शासन में ज्यादा था और साम्राज्य विस्तार में, तो उस क्रम में उन्होंने जो है सो मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी। और जो है सो दक्षिण में मनसबदारों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन ये सारे मनसबदार अपनी जागीर गंगा जमुना के दोआब में चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मनसबदार जागीर की प्रत्याशा में बैठे रहते थे। इस अवस्था को हम लोग बेजागरी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है, अच्छी जागीर चाहिए, जिसके चलते जो है सो सतीश चंद्र कहते हैं कि लोगों में गुटबंदी शुरू हुई, लोग अपने अपने गुटों को अधिक बढ़िया जागीर प्रदान करने के चक्कर में जो है सो बहुत तरह के षड्यंत्र वगैरह करते रहे, जिससे कि प्रशासनिक कुशलता भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। दूसरे हो जाता था कि मनसबदारों की पदोन्नति हो जाती थी, उनके जात संख्या में वृद्धि हो जाती थी, सवार संख्या में वृद्धि हो जाती थी, लेकिन जो प्रदान किए गए जागीर थे उसकी आमदनी उसी अनुपात में कभी नहीं बढ़ रही थी। तो इस तरह से जो है सो बड़ा मुश्किल हो गया। शाहजहां के समय में हम लोग देखते हैं कि उससे जागीर से निर्धारित वेतन के बराबर भी जो है सो राशि प्राप्त नहीं हुई। तो नतीजा क्या हुआ कि मनसबदारों को जो है सो ये छूट दे दी गई कि जितना राशि प्राप्त हुई है उसी अनुपात में आप जो है सो सैनिक को जो है सो सवार रखने को जो है सो घटा सकते हैं। इसको जो है सो हम लोग मंथ स्केल के नाम से जानते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने समझा है मनसबदारी के केस में। अब जागीरदारी की वसूली में भी बहुत तरह की समस्या थी, जैसे निर्धारित दर से अधिक दर से लगान वसूल लिया गया। दूसरा, एक नई प्रथा की का विकास हुआ। सामान्य तौर पर जागीरदार खुद से जो है सो लगान वसूलने की जगह ठेकेदारों को ये जिम्मा दे देते थे। इसको हम लोग कहते हैं इजारेदारी प्रथा। और इजारेदारी प्रथा के चलते जो है सो शोषण बहुत बढ़ गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक मैंने बहुत बड़ी कमी की ओर इंगित करते हैं लोग कि जागीरदारी प्रथा चूंकि वंशानुगत नहीं होती थी, इसलिए जागीरदार अपने जागीरों की उन्नति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते थे कि आज न कल तो ये दूसरे को ट्रांसफर होना ही। लेकिन अकबर के समय में तो ऐसा नहीं हुआ, ट्रांसफरेबल होने के बावजूद जो है सो जागीर से अच्छी जो है सो आमदनी भी मिली और जो है सो ये व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रूप से चलती रही। लेकिन जब शासक कमजोर हुए, केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण कमजोर हुआ, तो ये प्रॉब्लम जो है सो बढ़ चला था। तब वहाँ पर जागीरदार अपनी रुचि दिखाने में थोड़े से कसर करने लगे। हालांकि बाद के समय में देखिए, जबकि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद और अन्य लोगों ने जो है सो बहुत सारे अलग अलग जो है सो राज्यों का निर्माण किया, जैसे अवध
जैसे बंगाल मुर्शिद कुली खां वगैरह के समय में जो है सो बहुत सारी कृषि व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश देखी, और तब वहाँ पर जो है सो जागीरदारों ने रुचि भी ली। तो ये जो है सो अगर ये कहा जाए कि वंशानुगत नहीं होना जागीरदारी प्रथा का, यही जागीरदारी संकट का सबसे बड़ा कारण था, तो ये एकांगी हो जाएगा। मुगल काल में एक और समस्या हुई कि भूमि भी थी, कृषक भी थे, लेकिन ट्रांसफरेबल होने के कारण जो है सो कृषि का विस्तार संभव नहीं हुआ, तो ये सब बात जो है सो थोड़ा सा एकांगी हो जाता है। कुल मिलाकर जागीरदारी ने एक फायदा ये दिया कि जो है सो रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया, मनसबदारों को सशक्त करने में मदद दी, एक तरह से कहें कि सामंती व्यवस्था में इसने पिलर का काम किया। आशा है आज के इस चर्चा से आप जागीरदारी के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर पाए होंगे। धन्यवाद।